बाकी अमन की धुन बहुत ही बेहतरीन है जो आपने सुनी है अभी। आज हम इसी धुन को बजाना सीखेंगे और मैंने जो स्केल रखा है इसका तीसरी काली यानी एफ शार्प मेजर स्केल तीसरी काली को सा मान के चलता हूँ। तो राग यमन में क्या नोट्स लगते हैं, सा रे गा मा तीव्र रहेगा पा धा नी सा रे और गा तार सप्तक की गातक स्वर रहेंगे इसमें। लोअर ऑक्टेव में एक नोट लगेगा नी। बहुत ही शानदार धुन है, इसको आप मंच पर बजाएं, भजन संध्या में बजाएं, क्योंकि जिस टाइम भजन संध्या कार्यक्रम शुरुआत होती है 6 बजे और 9 बजे के बीच में, उस टाइम पर राग यमन का समय होता है और इसी टाइम पर राग यमन खिल करके सामने आता है और धुन बहुत अच्छी लगती है। दो फ्रेज है इस धुन के, राग यमन नी से शुरू होता है नी नी रे गा मा पा मा गा रे पा मा गा रे सा नी रे गा मा पा मा गा रे पा मा गा रे सा। पहला फ्रेज इतना ही भजन है नी रे गा मा पा मा गा रे पा मा गा रे सा। ताल कहरवा में 4/4 बीच में नी रे गा मा पा मा गा रे पा मा गा रे सा। सा के ऊपर 3 मात्रा ठहरता है लास्ट में नी नी रे गा मा पा मा गा रे पा मा गा रे सा आ आ आ। ये पहला फ्रेज हो गया, 2 बार बजाना। दूसरा फ्रेज गा मा दा नी सा नी दा पा गरे सा नी दा पा मा गरे गरे सा। दूसरा फिर ग म द नी सा नी दा पा गरे सा नी दा पा मा गरे गरे सा। और लास्ट में सा के ऊपर 1 मात्रा ग म द नी 4 मात्रा है सा नी दा पा 4 मात्रा गरे सा नी 4 मात्रा धा पा नी धा 4 मात्रा पा मा गरे 4 मात्रा गरे सा आ। इस तरीके से आपको ये धुन बजानी है। इसमें नोटेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको जो समझा दिया उतनी पर्याप्त है। पहला फ्रेज नी रे गा मा पा मा गा रे पा मा गा रे सा, यहां सा के ऊपर 3 मात्रा है, 2 बार बजाना। दूसरा ग म द नी सा नी दा पा गा रे सा नी दा पा मा गा रे गा रे सा। तरह से आपको ये धुन बजानी होगी। और एक बार ताल के साथ पुनः सुनाता हूं आपको, जो ताल कहरवा मैंने बजाई है इसका टेम्पो 160 BPM है। Thank you.
पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।